मेरा नाम अमन शुक्ला है, मैं विधानचंद्र विद्यालय स्कूल में पढ़ता हूँ, नौवीं कक्षा का छात्र हूँ और मैं स्वाति एनजीओ में ट्यूशन करता हूँ। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। एक किसान बहुत गरीब था, वह रोज जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था और उसकी बीवी उसके साथ रहती थी। एक दिन जब वो लकड़ियाँ काटने गया तो उसे एक मुर्गी मिली जो सोने के अंडे देती थी। तो वो सोचा मैं घर ले चल के इसे आज काटूंगा। जैसे वो मुर्गी को घर ले आया उसकी बीवी ने पूछा तुम ये क्या लाए हो, तो उसने बोला कि मैं मुर्गी लाया हूँ, आज इसको हम काटेंगे। जब वो मुर्गी को काटने गया तो मुर्गी बोली अगर तुम मेरी जान छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें रोज एक सोने का अंडा दूंगी। तो वो किसान बोला अगर तो ठीक है, अगर तुमने मुझे सोने का अंडा नहीं दिया तो मैं तुम्हें काट दूंगा। यह बोलने के बाद वह उस मुर्गी को रखकर सोने चला गया। सुबह उठकर जैसे ही देखा तो उसे सोने का अंडा मिला। वह डेली उसे प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती। धीरे धीरे कर वह दोनों अमीर बनने लगे। उन्होंने अपना घर बनवा लिया, उनकी सारी सामान सैकड़े कपड़े ये सब अमीर बनने लगे। उन दोनों के मन में एक दिन लालच आया कि हम ये प्रतिदिन हमें एक अंडा देती है, अगर हम इसे मार देंगे तो हमें एक साथ बहुत सारा अंडा दे देगी। इस प्रकार उन दोनों के मन में लालच आया और उन दोनों ने मिलकर उस मुर्गी को मार दिया। मुर्गी को मारने के बाद उन्हें उस मुर्गी से कुछ नहीं मिला। वैसे स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है लालच बुरी भला, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।